खबर यूपी के जनपद सीतापुर से है, जहां सीतापुर की नगर पालिका परिषद लहरपुर से अध्यक्ष पद की सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद कैसर जहां के पक्ष में सपा एमएलसी जासमीर अंसारी ने लहरपुर कस्बे में डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांगी। वहीं इस दौरान हमारे सहयोगी बादल भारती ने सपा एमएलसी जासमीर अंसारी से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि आपको पता है कि निकाय चुनाव की किस तरीके से तैयारी चल रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पूर्व विधायक जासमीर अंसारी जी मोहल्ले मोहल्ले जा करके लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की उनकी निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी है और क्या माहौल है उनके मोहल्ले का और उनकी जनता का क्या उनको आश्वासन है कि किस तरीके से उन्हें ताज पहनाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जासमीर अंसारी जी से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। निकाय चुनाव की क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारी तो होती नहीं है, ये तो सब जनता तैयारी करती है। इस कस्बे के लोग चुनाव लड़ाते हैं कैसर जहां को, जासमीर अंसारी को। हम लोग कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये सब लोग कलेजे में बैठाते हैं और उसका जन सैलाब आप देख रहे हैं। वो चीज आपकी जनता को देख करके लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो है जनता अभी भी जो ऐसे ही चाह रही है और आगे भी जाती रहेगी, लेकिन क्या अभी कुछ ऐसे काम अधूरे रह गए जो इस बार में आप उसको पूरा करने की प्रयास करें? हमें हमारी जिंदगी का लक्ष्य ही विकास कराना है। जब आपके जनपद सीतापुर मुख्यालय पर डिवाइडर नहीं था, हमने आज 20 साल पहले डिवाइडर बना दिया था। और नगर पालिका को लेकर के नगर पालिका में अभी क्या क्या चीजें रह गई हैं जो वाकई में आपको लगता है कि अभी होना चाहिए? अभी बहुत कुछ होना बाकी है और जो चीजें हमारे लहरपुर नगर पालिका में बनी है, ये पूरे उत्तर प्रदेश किसी कस्बे में नहीं बनी जितना सुंदर हमारा कस्बा। तो ऐसी सोच रखने वाले हमारे साथ जासमीर अंसारी जी हैं, जिनकी आप तैयारियां देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका एक जन सैलाब उनके साथ चल रहा है और लगातार मोहल्ले मोहल्ले जा करके एक दूसरे से संपर्क किया जा रहा है, मुलाकात हो रही है और इलेक्शन की भरपूर तैयारी चल रही है। देखते रहिए न्यूज़ 9 लाइव टीवी सीतापुर।